हाय वेलकम टू एफएसए एंटरटेनमेंट, उस्मान पठान के साथ हूँ मैं, टेम पठान गोट फार्म। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई, आपकी मंडी लग गई है, प्राइवेट मंडी। जी भाई। एंड वेयर एग्जैक्टली इट इज? हाटकेश मीरा रोड। हाटकेश मीरा रोड। जिस किसी को भी आना है, ऑल यू नीड टू डू इज गूगल मैप्स खोलिए, उस पर डालिए एम स्पेस पठान गोट फार्म एंड यू विल रीच द एग्जैक्ट सेम लोकेशन इंशाल्लाह। ठीक है। कितने बकरे उतारे हो आपने भाई? मैंने उतारा हो 167। और खस्सी है प्रेडोमिनेंटली? खसी है और इसमें कुछ अंडुल भी, अंडुल है। भी है और इनका प्राइवेट अंडुल कलेक्शन भी है, जो कि बहुत एक्सट्रीम क्वालिटी के बड़े बड़े बकरे हैं, वो भी बेचने हैं, खसी से भी बड़े बड़े। जी भाई। ठीक है, अभी फिलहाल जो है, क्या रेट के बकरे हमें सामने दिख रहे हैं और किस रेट से शुरू हो रहे हैं आपके बारे में? भाई ऐसा है ना, हमारे पास सिरोही, गुजरी और सोजर तीन क्वालिटी का माल है जी, तो स्टार्ट रेट ऐसे है 500 से लेकर 600 तक के बकरे। ठीक है, 500 वो वाली जगह पे। जी भाई। यहाँ पर जो है 600 रुपए, यहाँ पे 600। अच्छा ये बताइए, अभी जो बॉम्बे की, नॉट एवरीबडी यस, बट जिन जिनको पता है कि अभी पटगा में माल मिलता है, वहाँ पे 450 का भी मिल रहा है, 500 का भी मिल रहा है, 600 का भी मिल रहा है, तो कोई आपके पास से आके क्यों ले? भाई कैसा है ना फाद भाई, कि हमारे रेगुलर कस्टमर है और ये तो सालों साल का अपना बिजनेस ही है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कितने में बेच रहा है, उनको वो हिसाब में माल मिला होगा तो वो हिसाब में सेल कर रहे हैं। भाई एक और है भाई, अगर आप मीरा रोड के करीब रहते हो, ये आपको परवड़ेगा। जी भाई, वहाँ पर जाओ आओ और महंगा पड़ जाएगा आपको। जी भाई, आने जाने के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मतलब 100-150 बकरे में लाता हूँ और सेल करता हूँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर आना जाना आपको थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, आई मीन ऑफकोर्स आप ओवरऑल कैलकुलेट ज्यादा क्वांटिटी करते हो, जैसे पैसा है, टाइम है भाई, टाइम है, तो हर कोई अभी हर चीज बचाने का ही सोचता है, लेकिन वो सब उधर पे जाता है, लेकिन यहाँ पे सहूलत है कि आपके घर के करीब है, सबर्ब्स में है। जी भाई, इट्स वेरी कन्वीनियंट टू मूव योर गोट एक जगह से दूसरी जगह पे। जी जी, ठीक है। बताइए क्या केजी से क्या केजी तक के अपने पास भाई? अपने पास 65 केजी से लेकर माशाल्लाह 110 केजी तक के इसमें बकरे, ये वाड़े में है 110 किलो का कोई बकरा। जी भाई, इनको बताने बोलो 110 किलो का, मेरे ख्याल से वो है बहुत बड़ा बकरा। ये मोबाइल इसको लो आगे, आराम से आराम से। और ये कितने कितने दांत के हैं भाई? ये 2 दांत 4 दांत ज़्यादा है इसमें, और 6 दांत 8 दांत भी है। ओके, इतनी जल्दी पब्लिक लेना शुरू कर देगी तो? नहीं भाई, मैंने तो सेलिंग चालू ही नहीं की अभी तक, लाके ये मैंने संडे को उतारा हूँ माल। ओके, और जुम्मा की नमाज के बाद इंशाल्लाह इनको सेलिंग के लिए हम अभी चालू करेंगे। वीडियो आ जाएगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में, इंशाल्लाह। तो वो 1-2 दिन यानी कल जुम्मा ही है, कल जुम्मा ही है तो हो जाएगा अपने सेलिंग शुरू। एडवांटेज ये है कि इसमें आप पलाई दे रहे हो। हाँ भाई, तो अगर 600 रुपये चार्ज कर रहे हैं और तो बकरा ईद तक पलाई फ्री, बकरा ईद तक के पलाई बिल्कुल फ्री है। आज कौन सी तारीख है? आज आई थिंक 24 या 23 तो आपको नहीं नहीं बोल के 15 दिन का पलाई जो है, अगर आप कोई फार्म पे भी रखते हो, 1,500 रुपये यहाँ पे आप सेव कर लेते हो। यस, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का अगर आप लोकली रहते हो तो दैट्स मच चीपर एज वेल, ठीक है, वो बेनिफिट है यहाँ पे। बताइए दांत, बताइए वो बड़ा वाला बकरा कहाँ पे था, 100 किलो वाला? अंदर भाग गया, अंदर चला गया। ये कितने किलो पे होगा अप्रॉक्सीमेटली भाई? ये भी 90-95 किलो का बकरा होगा। 6 दांत पे आड़ा पकड़िए, बकरा पूरा दिख नहीं रहा है। ये सारे ठोस बकरे हैं फात भाई। जी, ये कहाँ का माल है? गुजरात का माल है? ये मोड़ासा, मोड़ासा का माल है। जी भाई। अच्छा, ये जो नए नए लोग उतारते हैं मंडी, अभी लोकल मंडी तो बहुत खुलती है, देवनार खुल रहा है 29 से, आपको फ़र्क पड़ेगा? नहीं भाई, क्यों? लोग तो वेट कर रहे होंगे, 2 साल बाद देवनार खुल रहा है, सभी में चाह होगी कि भाई देवनार जाए जाए। नहीं भाई, थोड़ा प्रेशर नहीं आ जाएगा? रोजी और रिस्क तो भाई अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अल्लाह ही देने वाला है भाई। That is absolutely true. लेकिन अगर आप बिजनेस में हो तो खुद तो कैलकुलेशन करते होगे ना? नहीं, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फाद भाई, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर साल देवनार, तो अभी पिछले जब देवनार खुला होता था 2 साल पहले, तभी भी था बकरा, तभी भी कर रहे थे और बिक जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह भाई। यानी माल लास्ट मोमेंट तक के रुकता था कि ये? भाई मैं तो मतलब 2-3 दिन पहले सब खत्म करके अपने घर पे रहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड वेरी गुड। और देवनार जाने की जरूरत पड़ी कभी बकरे बेचने के लिए? नहीं भाई, कभी नहीं। जाओगे कभी? नहीं, जरूरत ही नहीं है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ही है अपने देवनार, मीरा रोड का देवनार मिरित्या मंदिर, मिरित्या मंडी। हाँ, और अगर यहाँ से नहीं बिका तो मिरित्या, तो मिरित्या में चले जाए। यहाँ से तो मतलब ऐसा है कि 80-100 बकरे हम यहाँ ही बेच देते हैं, और जो बचता है तो फिर उसको मिरित्या ले जाते हैं। ऐसा आप खुद जाते हो कि नहीं देवनार? हाँ, जाता ना घूमने। देवनार के बिना तो बकरा किसी में मज़ा नहीं आती होती। ठीक है, लेके आइए कोई बकरे का, खुदाना खास्ता अगर कोई यहाँ पे ले लेता है, समझो कल वीडियो देख लिया। जी भाई, आपको पैसे दे दिया, बोले 100 किलो का बकरे का मैं दे देता हूँ, पलाई फ्री है। खुदाना खास्ता कुछ होता है बकरा ईद तक के, शायद बकरे की सिंग टूट गई, पैर में कुछ हो गया, बीमार पड़ गया, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये सब तो भाई ये बकरे आम बात है भाई।
जो आदमी पालता है शौक करता है उनको पता ही है ये। तो आप क्या एडवाइस दोगे लोगों को, लेके जाओ अगर ले लेते हो तो अपनी चीज़? लेके जाते हैं तो अपनी चीज़ लेके जाओ, अगर अल्लाह नाम पे तुम भरोसा रखते हो तो फिर कोई हमको मसला ही नहीं रखना। ठीक है, ठीक है, दैट्स वेरी क्लियर। क्लियर, यस। ठीक है, दैट्स वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा है। कितने दांत पे देखिए जरा, कितने किलो पे होगा अप्रोक्सीमेटली? भाई होगा 90। और बताइए कुछ अच्छे बकरे। मेवाती भी है क्या? हाँ, इसमें एक दो तीन मेवाती, दो मेवाती है। गुजरी है बड़ा कोई? एक अंडुल भी लाओ, एक अंडुल देखो कॉर्नर पे है, लेके आओ। वो तो दो दांत का, वो दो दांत वाला लेके आओ। अच्छा, कोई पालने वाली चीज़ है इसमें? भाई बहुत है, इसमें दो दो दांत के भी बकरे हैं। वो जो ला रहा है वो भी दो दांत का है भाई। कौन सी नस्ल? सुजत है? सुजत, सुजत। ये बच्चा जा रहा है ना फात भाई, ये रुकने वाला है वहाँ अगले साल तक। कौन सा वाला? वो जो काली बुंडी वाला जो है? यस, ये वाले की बात कर रहा हूँ। देखिए इसके दांत बताइए। दैट्स ओके, ज़ूम कर आराम से, आराम से। दो दांत का है माशाल्लाह। कितने किलो पे होगा? छोड़ दो उसको, वो 70 एंड हाउ मच आर वी आस्किंग भाई? वही रेट से 600 रुपए जी भाई। ये भी नहीं, आपने बोला 600 तक के है ना, एंड स्टार्ट हो रहा है 500। नहीं भाई, इसमें नहीं, वो 500 वाले वहाँ पर है। तो ये जितना भी है जी भाई, जी भाई, सोजन जितने भी है सब 600। ओके ओके, चलाइए ना, या छोड़ दीजिए, कुछ छोड़ दो, चले जाओ। हाइट कितनी होगी? 37? यस, 36 37 होगी। पर रुकाने वाली चीज़ है वो फ्रेम का है बकरा भाई? एक्चुअली रुकाने वाली चीज़ इसके लिए ना, क्योंकि इसकी लेंथ कम है, लेकिन जो बनने के लिए जो चीज़ होती है ना भाई बकरे में, वो उसके अंदर भर भर के पड़ी हुई है। कितना पोटेंशियल है कोई नेक्स्ट ईयर तक के रुकाता है भाई? ये 100+ है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट ईयर तक। उसका वो पीठ बहुत अच्छी है। हाँ भाई, कमान वाला, कमान वाला अच्छी। ये वाला बताइए, बहुत अच्छी जा रही है वाला। ये येलो, सामने से एक बकरा हटा दोगे? हाँ जी। 100 क्रॉस? नहीं भाई, 100 क्रॉस नहीं होगा, 90-95 केजी होगा। एंड कौन सी नस्ल है? ये मेवाती है भाई। मेवाती है। कितने दांत पे है? 8 होगा शायद। 8 दांत पे है। एंड वंस अगेन 600 रुपीज़ पर केजी। जी भाई, ठीक है। सारे बकरे तो हम नहीं बता सकते, बट आप यहाँ पे देख लीजिए, मोर ऑर लेस इट्स अ गुड स्टॉक, क्लीन बकरे हैं, नीट है, एंड देयर स्पिक इन स्पैन, कोई लंगड़ा लूला नहीं, कुछ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह फिट है, और कैची काची का कोई इशू नहीं है किसी में भी, कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे भी एक जो लेगा तो मतलब देख के ही लेगा भाई। जी ठीक है, अच्छे बकरे हैं सारे के सारे। जिस किसी को भी चाहिए भाई कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर इनका स्क्रीन पर दिया गया। थैंक यू सो मच। एक बोर भी है, बोर भी उतने में ही दे रहे हो? बोर खस्सी है भाई, वो भी 600 रुपये किलो। बताओगे बोर? बताओ बोर लेके आ जाओ। ये बकरा पलटी के लिए मेरे को बहुत पसंद है भाई, इसके लिए मैं ये दिखा रहा हूँ बकरा। ये आप नहीं बेचोगे ये वाला? नहीं भाई, बहुत खूबसूरत बकरा है, लंबी नेक वाला है। हाँ भाई, एकदम जिराफ वाली उसकी गर्दन और उसकी दुम। हाँ, देखो ना, पब्लिक वही मांगी है लास्ट फॉर द सेम। और अभी चार दांत लगा रहा है भाई, ये क्या बोर पे जुल्म कर दिया इन लोगों ने, खस्सी कर दी, खस्सी कर दी भाई। लेकिन बोर की क्वालिटी देखो ना भाई, माशाल्लाह। इसमें भी अराउंड 70? हाँ, आराम से। इजीली कितने दांत हैं? पूरे होगा, पूरे दांत किया है, 600 रुपये पर केजी के हिसाब से। ठीक है, ओवरऑल अ गुड स्टॉक। जस्ट गेट इन टच विद उस्मान भाई, नंबर इज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू इमरान भाई, थैंक यू।